साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर से ही जिंगल बैल की धुन सुनाई देने लगती है। इतना ही नहीं, छोटे बच्चों को इस दिन का सबसे ज्यादा इंतजार है, क्योंकि सेंटा क्रिसमस के दिन उनके लिए बेहद प्यारे प्यारे तोहफे लेकर आएगा। तो आइए आज हम आपको क्रिसमस से पहले इस त्योहार से जुड़ी कुछ मुख्य बातें बताने वाले हैं। रोम में 336 ईसा पूर्व में पहली बार 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस मनाया गया था। इसके कुछ सालों बाद पोप जूलियस ने ऑफिशियली जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस 25 दिसंबर के दिन मनाने का ऐलान कर दिया। बता दें कि क्रिसमस का त्यौहार जीसस क्राइस्ट के जन्म की खुशी के रूप में मनाया जाता है। हालांकि ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में जीसस क्राइस्ट के जन्म की तारीख का कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन बावजूद इसके हर साल यह त्यौहार 25 दिसंबर के दिन उनके जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। यूरोप में हजारों साल पहले क्रिसमस ट्री की शुरुआत हुई थी। उस समय पेड़ को सजाकर क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता था, लेकिन अब आसानी से क्रिसमस ट्री मिल जाती है। वहीं हर कोई व्यक्ति चॉकलेट्स, खिलौनों, लाइट्स और तोहफों से क्रिसमस ट्री की सजावट करता है। क्रिश्चियन देशों में क्रिसमस का त्यौहार काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस से पहले ही स्कूलों, कॉलेज और ऑफिस की छुट्टियां हो जाती है, घरों से लेकर सड़कें भी सजा दी जाती है। पहले 24 दिसंबर के दिन ईस्टर ईव मनाया जाता है और 25 दिसंबर के दिन पार्टी का आयोजन किया जाता है, जो कि करीब 12 दिनों तक चलता है। आपको बता दें कि असली सेंटा संत निकोलस को माना जाता है। संत निकोलस का जन्म प्रभु यीशु की मौत के 280 साल बाद मायरा में हुआ था। इसी वजह से संत निकोलस बचपन से ही अनाथ हो गए थे, जिस वजह से उनकी प्रभु यीशु में गहरी आस्था थी। संत निकोलस बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी फिर बाद में बिशप बन गए। उन्हें बच्चों और जरूरतमंद लोगों को तोहफा देना बेहद पसंद था। जब भी संत निकोलस किसी को गिफ्ट देते थे तो वह आधी रात को ही देते थे, क्योंकि उपहार देते हुए नजर आना निकोलस को कतई पसंद नहीं था। साथ ही वो अपनी पहचान किसी के आगे जाहिर भी नहीं करना चाहते थे। तो ये थी संत निकोलस की सीक्रेट कहानी। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।